दिल्ली सरकार ने थोड़े दिन पहले एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम शुरू किया था देश के युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को एजुकेशन से जोड़ने का, देश के मेंटर प्रोग्राम के नाम से। इस प्रोग्राम की सफलता से घबराकर भारतीय जनता पार्टी ने साजिश करके इस प्रोग्राम को रुकवाने की चाल चली है। भारतीय जनता पार्टी ने सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आने वाले NCPCR, जो नेशनल चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन है, उसको यूज़ करते हुए आदेश दिलाया है कि सरकार इस प्रोग्राम को, दिल्ली सरकार इस प्रोग्राम को बंद कर दे। बीजेपी ने अपने ही, भारतीय जनता पार्टी के ही एक छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता से एक शिकायत डलवाई NCPCR में। छत्तीसगढ़ का भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता शिकायत करता है कि जो ये देश के मेंटर प्रोग्राम है, इससे बच्चों की सुरक्षा को खतरा है। और उसके बाद NCPCR दिल्ली सरकार को आदेश देता है कि इस पूरे प्रोग्राम को बंद कर देना चाहिए। पहले मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि प्रोग्राम है क्या और कर क्या रहा है। ये आपको याद होगा तो कुछ महीने पहले ही ये प्रोग्राम लॉन्च किया था। एजुकेशन के क्षेत्र में वैसे तो दिल्ली सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, लेकिन ये एक सबसे इनोवेटिव इनिशिएटिव था या है, क्योंकि इसमें देश के वेल एजुकेटेड युवा को, देश के यूथ को, जिसको अच्छे से पढ़ने लिखने के अवसर मिले हैं या जो किसी तरह से अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके अब आगे कुछ कर रहा है, उसको वापस सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की मेंटरिंग के लिए वॉलंटियर कराया जा रहा है। क्योंकि सरकारी स्कूलों में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, या अपने बच्चों के सपनों को लेके, अपने बच्चों के सपनों की कैरियर गाइडेंस को लेके उनके पास ना तो पूरी नॉलेज है ना इन्फॉर्मेशन है, या बच्चों को गाइड नहीं करने के तरीके आते उनको। इसलिए हमने देश के युवाओं का आह्वान किया कि अगर आप पढ़े लिखे हैं और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले ऐसे बच्चे जिनको मेंटर्स की ज़रूरत है, जिनके पास मेंटरिंग के लिए, जिनके पास गाइडेंस के लिए कोई नहीं है, उनको हमने आह्वान किया, अरविंद केजरीवाल जी ने आह्वान किया कि आप फ़ोन कॉल के जरिए, आपको बहुत टाइम जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के घर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को अपने पास बुलाने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन कॉल के ज़रिए ऐसे बच्चों की मदद करिए। 10 मिनट दे दीजिए हफ्ते में, एक बार उस बच्चे से बात कर लीजिए, उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है, उसका करियर कैसा चल रहा है, वो क्या सपने देख रहा है, उस सपने को पूरा करने के लिए कौन सा कोर्स, कौन सी फीस, कौन सी स्कॉलरशिप, कौन से कॉलेज से, कहाँ से क्या कर सकता है। तो इस आह्वान पे देश के 44,000 युवा आगे आए, 44,000। इनमें 500 युवा तो ऐसे हैं जो IIT से पास आउट हैं, और करीब 500 लोग ऐसे हैं जो IIM से पास आउट हैं। 15,600 युवा ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन से और PhD तक की पढ़ाई कर रखी है, पूरी कर रखी है और अब कुछ कर रहे हैं। 15,600 युवा ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन से PhD तक की पढ़ाई कर रहे हैं कहीं किसी बड़े कॉलेज में। 7,500 युवा ऐसे हैं जो पढ़ाई पूरी करके कोई नौकरी कर रहे हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं। तो इन 44,000 युवाओं ने 1,76,000 बच्चों को मेंटर करना शुरू किया। 1,76,000 मेंटीज हैं, 44,000 युवा हैं, वेल एजुकेटेड यूथ है। और किन बच्चों को, मेंटीज कौन है? जैसा मैंने कहा, मेंटीज हैं सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब परिवारों के बच्चे जिनके माता पिता बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, या थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी हैं तो उनके पास में न्यू एज कैरियर्स को लेके तो खास तौर से ज़्यादा सूचना है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने बच्चों को गाइड कर सकें, उनको मेंटर कर सकें। तो ये युवा जिनमें IIT के युवा हैं, IIM के युवा हैं, जो नौकरियां कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन करके कुछ बड़ी नौकरी कर रहे हैं, ये सब वॉलंटियर कर रहे हैं ऐसे परिवारों से आने वाले बच्चों को मेंटर करने के लिए, मेंटीज को मेंटर करने के लिए, जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, जिनके पास सूचनाएं नहीं हैं। और इसमें हमने, सरकार ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा कि लड़का अगर मेल मेंटर है तो मेंटी भी मेल है, अगर कोई लड़की सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची है जो मेंटर चाहती है तो उसको हमने फीमेल मेंटर दिया है, यूथ जो है जो उसको मेंटर करेगा, मेल मेंटी के लिए मेल मेंटर, फीमेल मेंटी के लिए फीमेल मेंटर, ये हमने पूरी तरह से ध्यान रखा। हमने इन युवाओं का, जिन्होंने वॉलंटियर किया, उनके टेस्ट भी लिए, उनके साइकोमेट्रिक टेस्ट लिए, उनकी एजुकेशन पर पूरा फोकस किया, उनकी ट्रेनिंग दी है उसके बाद। और इनफैक्ट करीब 750 युवा ऐसे हैं जो
साइकोमेट्रिक टेस्ट में फेल हुए तो हमने उनको कोई मेंटी नहीं दिया, हमने बहुत इनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखा, उनकी पूरे सारी चीज़ों का ध्यान रखा और आज ये प्रोग्राम बहुत सफल चल रहा है। मैं बीच बीच में मेंटीज से भी मिलता हूँ, बच्चों से, सरकारी स्कूल वालों से, उनसे पूछता हूँ, ऑनलाइन डिस्कशन करता हूँ कि कैसा चल रहा है। मैं मेंटर्स से भी मिलता हूँ कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। और ये जो हमने बच्चे इनको दिए मेंटर्स को, जो मेंटर्स युवा 44,000 सेवा करने के लिए आगे आए, हमने ऐसे ही नहीं बच्चे उठा के दे दिए उनको। हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में 5.5 लाख बच्चे पढ़ते हैं। हमने सारे बच्चों से पूछा कि आपको मेंटर्स चाहिए क्या, और जिसको मेंटर चाहिए वो अपने पेरेंट की कंसेंट ला के दे। तो 2,20,000 बच्चों ने अपने पेरेंट्स से पूछ के घर में बात करके कहा कि हाँ हमें मेंटरिंग चाहिए। इन 2,20,000 में से अभी 1,76,000 बच्चों को ही मेंटर्स दे पाए हैं हम, लेकिन ये सफल चल रहा है प्रोग्राम और बहुत अच्छा चल रहा है। इन 2.25 लाख बच्चों को शानदार करियर में मदद मिल रही है, अपने सपनों को पूरा करने में मदद मिल रही है। इसी से भारतीय जनता पार्टी घबराती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस बात से घबराती है कि अगर इस देश के आगे आने वाली पीढ़ी के बच्चे पढ़ लिख गए तो उनको हम अपने कुकर्मों के अंधेरे में कैसे लगाएंगे, उनको भटका के कैसे रखेंगे, उनको अपने उलझरूल वाहियात तथ्यों से जाति धर्म के झगड़ों में कैसे उलझा के रखेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है। उसको ये भी डर लग रहा है कि अगर इस देश का पढ़ा लिखा युवा अगली पीढ़ी को मेंटरिंग करने में लग गया, उसके पढ़ाने लिखाने में लग गया, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। वो फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भेजे गए मैसेजेस के आधार पर जाति धर्म की लड़ाइयाँ कैसे लड़ेगा, इनके वाहियात कुतर्कों के आधार पर उल्टी सीधी हरकतें, उल्टी सीधी बयानबाजी कैसे करेगा, फेसबुक यूट्यूब पे इनकी प्रोपेगेंडा को आगे कैसे बढ़ाएगा। इनको प्रॉब्लम है इसमें, इनको लगता है कि युवा पढ़ लिख के केवल और केवल इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को पढ़े और उसके बाद कुछ कुछ लिखता रहे, कुछ कुछ बकवास करता रहे। लेकिन अगर वो गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ाने पे लगता है तो ये उसको किसी ना किसी बहाने से बंद करवाते हैं।